नमस्कार दोस्तों, आज है 7 फरवरी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभी हम लोग कौन कौन से फरवरी में वेजिटेबल्स के सीड्स लगा सकते हैं। तो हम अभी सीड्स लगाएंगे तो हमको आराम से मई जून तक, या कुछ हो सकता है कि अप्रैल तक ही हमको उसमें से सब्जियां मिल जाएंगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने लगाई थी, ये तो मैंने पौध ला के लगाई थी गोभी की, आप लोगों को दिखाया भी था इसका वीडियो। तो सबसे पहला जो नाम है वो है टमाटर का। ये देखिए, टमाटर की पौधा आप अभी लगा सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो टमाटर मैंने लगाया है, ये घर में जो सीड, मतलब घर के जो ताज़े ताज़े बिल्कुल टमाटर थे, फ्रेश टमाटर, तो उसमें जो कड़े कड़े टमाटर थे, मैंने उसी से ही इसको उगाया है। और ये देखिए, बहुत सारे इसी तरीके से घर में आसानी से उग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी पौध तैयार हो गई हैं, बस इनको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो आप टमाटर जो है इस समय उगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी का टाइम ठीक है। जैसे ये ग्रोथ बड़ा, मतलब पौधा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा गर्म मौसम होगा, तो उसके बाद प्लांट इस्टेब्लिश हो जाएगा अच्छे से, और इसके फूल भी झड़ेंगे नहीं। मतलब झड़ना तो चाहिए पॉलिनेशन के लिए, तो वैसे तो होता है। तो एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे जब भी आप सब्जियाँ लगाई है ना, तो आसपास जो है खूब सारे फ्लावर्स भी लगा दीजिए। फ्लावर्स आप लगाएंगे तो पॉलिनेटर्स बहुत आएंगे। अब जैसे इस टाइप की जो भी फूल है ना, ये सब है डहेलिया, या कोई भी जो भी आप सनफ्लावर लगा सकते हैं। तो खैर, आज मैं आपको फिलहाल आपको सिर्फ सब्जियों के नाम बता रही हूँ कि क्या क्या लगाना है। दूसरा, आप ना बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन जो है आप गोल वाले और लंबे वाले दोनों ही वैरायटी के लगा सकते हैं इस टाइम पे, और बहुत अच्छे से इस समय लग जाएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे है दोस्तों, पालक भी लगा सकते हैं। पालक का ये है कि पालक के लिए बहुत गहरे गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होगी आपको, छोटे छोटे जैसे इस टाइप की कम हाइट वाली प्लेट्स आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। ये तो खैर मेथी है, और देसी हाइब्रिड कोई सी भी आप इस टाइम वो लगा सकते हैं। पालक मतलब देसी वाली भी, और ये जो इस टाइप के जो पत्ते होते हैं ऐसे वाले, देसी के थोड़े से कटे कटे से होते हैं। धनिया भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इधर थोड़े से मैंने बस पालक के सीड्स इधर डाल दिए थे, तो ये कुछ पालक निकल आई है। लेकिन आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि जब आपको लगाना हो तो कोई इस टाइप के पॉट लीजिए, फैला हुआ सा, और बहुत आसानी से लग जाएगा। और उसकी पत्तियों को बस हार्वेस्ट करते रहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है शिमला मिर्च, मतलब कैप्सिकम आप इस टाइम लगा सकते हैं। शिमला मिर्च जो है वो फरवरी का मौसम अच्छा रहता है, बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं रहती है, मतलब धूप बहुत तेज़ नहीं रहती है, और आपको जो शिमला मिर्च है ना वो जल्दी से ही मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इसके लिए भी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होगी, आप 12 इंच के पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं आपको 6 नंबर पर बता रही हूँ बेल वाले, कुछ ऐसे नाम बता रही हूँ, जैसे कि करेला। करेला आपको मैंने ना पिछले बार ग्रो करके दिखाया था मेरे पास, जैसे मैंने जो सब्जी मंडी से करेला ख़रीदा था, उसमें येलो येलो कलर के ना पके पके जो सीड्स थे हो आपको मिल जाते हैं। तो करेला आप इस टाइम लगा सकते हैं, उसको आप बस आप मिट्टी में ना, जो आपके नॉर्मल मिट्टी है, आप वहाँ लगा दीजिए। करेले की बेल बहुत ईजिली निकल आएगी। ये देखिए, अब जैसे कहाँ कहाँ ये दिख रहे हैं ना, ये सब धनिया, और आप ये देखिए ये टमाटर, ये सब निकल आए। तो करेला, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर, मतलब आपके पास पौधा जब तैयार हो जाए ना, तब उसको आप किसी बड़े गमले में लगाइए, मतलब 12 इंच से ऊपर ही, 18 इंच की ग्रो बैग हो, इस तरीके से लगाइए। क्योंकि जो बेल वाले प्लांट होते हैं उनको थोड़ा सा बड़े गमले की ज़रूरत होती है, उनको पोषण ज़्यादा चाहिए होता है। तो करेला हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो बेल वाली सब्जी है ना, वो आपको लौकी बता रही हूँ। लौकी दोस्तों मैं इस बार लगाऊंगी, और उसके सीड मैंने पता नहीं किधर रख दिए, मुझे दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे, बड़ी बड़ी देर से ढूंढ रही थी। तो सीड से आप लगाइए लौकी। लौकी लगाने के लिए कुछ बड़ा ही गमला लीजिएगा, बड़ा ग्रो बैग लीजिएगा, मतलब 18 इंच से ऊपर का, 18 24 24 इस तरह से लीजिएगा। और इसके बाद उसमें हाइब्रिड सीड लीजिएगा, जैसे आप जब खरीदिएगा ना तो उनसे बोलिएगा कि हाइब्रिड आपको सीड दे दे। तो आप लौकी लगा सकते हैं, गोल वाली और वो लंबी वाली, दोनों ही टाइप की। नेक्स्ट दोस्तों जो बेल वाली सब्जी है ना, वो ये देखिए, ये लोबिया के सीड हैं। तो ये लोबिया के सीड मैंने जैसे ख़रीदा है, सर 10 रुपये का ये इतना मिला है। तो आप आराम से जैसे लोकल, आपके लोकल जहाँ से आप प्लांट्स आर्ट्स खरीदते हैं ना, सीड खरीदते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आप चाहे तो इस तरह से खुला ले सकते हैं, या फिर पैकेट में जो आते हैं आप वो ले सकते हैं।
तो ये सब लोबिया जो है ना, ये इसी तरीके से आप लगाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि फुल डे की धूप नहीं मिले, फुल डे सारा दिन की जब आगे जाके तेज़ गर्मी होती है ना तो फिर थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे आप अभी से उसको लगाइएगा। चलिए जब मैं लगाऊंगी ना आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ मैं लगा रही हूँ, किस तरीके से, मतलब इतना है ना कि सारा दिन धूप मिलेगी ना सारा दिन, तो वो नहीं ठीक रहता है। 5-6 घंटे की जो धूप रहती है ना, 6 घंटे की 7 घंटे की, उतनी ठीक रहती है जो अगर मॉर्निंग से मिल जाती है तो। और लोबिया को वैसे मैंने जब लगाया था पहले, तो मैंने तो घर वाले ही, मेरे पास जो जैसे लोबिया जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं ना, तो उससे उगाया था। तो उसको आप, ये आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा बहुत धूप नहीं चाहिए था, मतलब सुबह से जैसे 6 बजे से लेकर के अगर 10-11 बजे तक धूप भी मिल रही है ना उतना ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, वही बड़े ही किसी में उसमें लगाइएगा। इसके बाद आप ये देखिए, ये है खीरे के सीड है। तो ये खीरे के सीड तो कई बार होता है, जैसे हमारे यहाँ खीरा आता है ना जो थोड़ा सा सूखा सूखा सा रहता है, उसके जो बीज रहते हैं ना उनसे भी उगा लिया जाता है। पर अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ अभी एकदम आना इतना ज़्यादा नहीं शुरू हुआ है, तो इस फरवरी है अभी स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से सीड लेकर के और हम खीरा भी उगा सकते हैं, खीरा उगा सकते हैं खीरे के साथ, मतलब अलावा ककड़ी उगा सकते हैं। ककड़ी जो है वो अभी इसी मौसम में मार्च अप्रैल तक इसकी हमको वो जो है इसके ककड़ी मिल जाएगी। तो ककड़ी हो गया। एक दोस्तों रह गया 5th नंबर का जो है, वो मैं आपको भिंडी बता रही थी। और भिंडी एक्चुअली मैंने भिंडी और लौकी दोनों के सीड जो है ना वो एक ही जगह रख दिए थे, तो वो दोनों मिले उसी में मेरा ध्यान अटक गया। तो भिंडी बहुत अच्छी रहती है, आप इस समय लगाइए। भिंडी को ऐसी जगह रखिएगा लगा के, उसको लगाना हो ये जहाँ पे धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो भिंडी आप लगा सकते हैं। और भिंडी के जब ये सब आप मिट्टी तैयार करिए ना, तो उसमें 40-50% खाद ऐड कर दीजिए। खाद का कुछ ऐसा नहीं है, जब आप मिट्टी तैयार करिए तो अच्छी मिट्टी बिल्कुल तैयार करिए ऑर्गेनिक तरीके से। गोबर खाद भी आप मिला सकते हैं और सैंड मिला लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूंगी जिस टाइम पे मैं मिट्टी तैयार करूंगी। वैसे मैंने अभी एक वो बड़ा थर्मोकोल का बॉक्स भरा ही है, किस तरीके से भरा है वो आपको लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। यही बेल के लिए ही मैंने रखा हुआ है। और आप इस टाइम पे पुदीना भी लगा सकते हैं, पुदीने की गड्डी मार्केट से ला करके और उसको लगा सकते हैं, देख लीजिएगा। उसको पहले आप चाहे पानी में उसमें रूट बना लीजिए, चाहे वैसे ही मिट्टी में लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये थर्मोकोल बॉक्स तैयार किया है। नीचे सारा जो है किचन का पत्तियाँ वत्तियाँ सारा भर के मैंने वही किया हुआ है। बस जल्दी ही बस उसमें पहले कहीं और मतलब लगा दूंगी सीड, उसके बाद उसमें लगाऊंगी, मतलब सीड को कहीं और ग्रो करूंगी, सीड पौध तैयार करूंगी, उसके बाद उसमें ट्रांसप्लांट करूंगी। और अभी ठीक है, बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक लगा वीडियो तो लाइक करिएगा और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।